हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट कर चुके थे। ऑब्जेक्ट नेटिव टू के बाद बॉन्डिंग, क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में। ओके, नेटिव बॉन्डिंग बताया था सर आपने। डेटिव बॉन्डिंग में स्टार्ट कर रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि उसका एक एग्जांपल भी लिया होगा। तो देखते हैं अभी हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही देखते हैं वहाँ पर। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसी को क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड, देखते हैं। बाकी कुछ अगर दिक्कत है, अगर सीट सॉल्व कर तो उसमें स्ट्रक्चर क्या, हम लोग जब डिस्कशन करें तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। एक दो स्ट्रक्चर बुकलेट सॉल्व कर तो उसमें ऐसा नहीं कि सब मैं अगर क्लास में कराओ कराई दूंगा तुम लोग सोचोगे क्या उसमें, वहां पे तुम्हें जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहां पे बाकी स्ट्रक्चर जो रहेगा हम लोग देखेंगे वहां पे क्या रहेगा। देखिए एस सी एन का आ रहा है यहाँ पे, एस सी एन का स्ट्रक्चर क्या रहा था। अब यहाँ पे देखने के एस सी एन यहाँ पे जो सेंटर आ रहा तुम्हारा एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे तुम्हारा। और नाइट्रोजन पे बेसिकली एस सी एन नहीं होगा वहां पे, एस सी एन निगेटिव होगा। जहाँ पर भी तुम देख रही हो ये, तो क्या होगा एस सी एन माइनस करके कुछ होगा, जाके देखना उसमें। ये एस सी एन है तो वहां पे ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, एस सी एन माइनस होगा वहां पे, तो फिर ये इस टाइप से आ पाता है स्ट्रक्चर एस सी एन माइनस का। तो जब हम लोग डिस्कशन करें तो वहां पे देखेंगे क्या रहेगा। तो आज तो पहले पहले केमिकल बॉन्डिंग तो अभी डिस्कशन करना ही है हम लोगों को, बट पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं जो कि पूरा एक साथ कर पाए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वन को। केमिकल बॉन्डिंग वन में बहुत ज्यादा बुकलेट मिल गया होगा सब लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का। जो लोग नहीं ले पाए तो सेंटर पे आ चुका है, अभी यस मैसेज किया था ग्रुप में, तो बुकलेट ले लो तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग वन एक साथ में डिस्कस कर पाएंगे। तो देखना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रक्चर था इसमें, तो एग्जांपल भी लिया हुआ था NO3 माइनस का। अब NO3 माइनस का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा मैंने वहां पे N डबल बॉन्ड O O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिन्होंने लोग क्यों लगा रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज इसलिए किया जाता है कि जो नाइट्रोजन है जो भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है उसका ऑक्टेट का एक्सपेंशन ना हो, दैट्स यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप लेते हैं। अब यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर चुके थे NO3 माइनस का, और एक स्ट्रक्चर और मैंने बताया वो रॉन्ग स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे NO3 माइनस, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी देखना है कि जहाँ पे ओ नेगेटिव आ रहा है तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं ये बना किससे होगा, बेसिकली NO3 माइनस नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड का ही एक एच प्लस बाहर गया होगा HNO3, तब ये क्या होगा यहाँ पे NO3 माइनस बना होगा नाइट्रेट आयन। इसमें जहां पे नेगेटिव चार्ज है O माइनस, अगर HNO3 का भी स्ट्रक्चर पूछा जाए यहाँ पे, ये क्या रहेगा N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहीं पे एच प्लस को ऐड कर देना, तो ये क्या आ जाता ओ एच, ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये यहाँ पे है और ये नाइट्रेट आयन का NO3 माइनस। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। अब जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आ रहा है यहाँ पे इसको जब कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है स्पेशल केस है कोवेलेंट बॉन्ड का ही, जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट अगर करना यहाँ पे है NO, तो जहां पे ये एरो जा रहा होता है जिस एटम पे वहां पे नेगेटिव चार्ज, और जहां पे एरो का टेल है वहां पे पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है जैसे दिखाना दिखा सकते हो। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करना है यहाँ पे, तो जहां पे एरो जा रहा है जिस एटम पे वहां पे नेगेटिव, और एरो का जहाँ पे टेल है वहां पे क्या दिखाना है पॉजिटिव। ये भी स्ट्रक्चर इसी का है यहाँ पे, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हटाना हो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाना, इस तरीके से ये भी NO3 माइनस का ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, बचा तो एक ही नेगेटिव चार्ज,
दैट मीन्स एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ रहा है, इसी स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर लोगे वहीं पे। कुछ और एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे है, जितनो एनओ थ्री माइनस का ही देख रहे थे और नाइट्रिक एसिड भी इसी से स्कैन हो पा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें एन एच फोर प्लस अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे हम लोग। अमोनियम आयन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बेसिकली इसको दो पार्ट में समझो, यहाँ पे एन एच एच और ये एच अमोनिया आ रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या एच प्लस, तो एन एच थ्री और एच प्लस। एच प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है एच प्लस के पास, और एच प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है किसको हम लोग क्या बोलते हैं एच प्लस को, प्रोटॉन। प्रोटॉन। सही, बिल्कुल, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोटॉन। यहाँ पे एच प्लस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है तो दो इलेक्ट्रॉन रिलेटिव बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को शेयर करता है, हमेशा दो इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसका जो लोन पेयर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये एच प्लस। यही तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या आ गया एन एच फोर प्लस का, जिसमें दिखा रहा है यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सिर्फ दिखा दिया जाता है, तो इसका मीनिंग है वो दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। एक तो ये स्ट्रक्चर आ गया, अब इसी का दूसरा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम लोग, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाएंगे यहाँ पे, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हटाते हैं तभी मैंने क्या बताया था प्रोसेस, जहां पे एरो जा रहा होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज, और जहां पे एरो का टेल आ रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हटने के कारण एच पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। एच पे तो एक पॉजिटिव चार्ज पहले से है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा न्यूट्रलाइज हो जाता है, एन एच फोर प्लस का एक ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। दोनों में से जो ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसके। तो एन एच फोर प्लस का जो एक्चुअल फॉर्मेशन होता है अमोनियम आयन का, तो अमोनिया ही एन एच थ्री, अमोनिया जब एक एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या बनता है अमोनियम आयन, और उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से दोनों में से जैसे ड्रॉ करना ड्रॉ कर सकते हो। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा रहे हैं इस तरीके से हटाते हैं। आपको सर इसका एच प्लस कहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे गया, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, कि एरो जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास, जहाँ पे एरो का टेल है, तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव एच प्लस को न्यूट्रलाइज कर, दैट मीन्स एक ये एच दिखा रहा है यहाँ। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन सेवन, नहीं ध्यान से काउंट करना है यहाँ पे एट, ये क्या आ रहा है एट इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, वन टू फोर, तो इसका खुद का है नाइट्रोजन का और फोर शेयर करा, दैट मीन एट इलेक्ट्रॉन। अब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के तरीके से सोचो, पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव, फाइव में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, नॉर्मल तरीके सोचना है, बचा फोर इलेक्ट्रॉन, और फोर में से फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, कोई लोन पेयर वगैरह भी नहीं होगा नाइट्रोजन, यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन खुद का था फोर शेयर का, दैट मीन्स एट इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कम्प्लीट है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक H2SO4 का अगर एग्जांपल की बात स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, H2SO4 का, H2SO4 में जो सेंट्रल एटम होगा यहाँ पे तुम्हारा वो कौन सा रहेगा, सल्फर OH। अब देखो H2SO4 जो आ जाता है वो आगे भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि इसमें मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज आ जाता है, और मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में आता है, केमिकल बॉन्डिंग 2 या 3 में आएगा, तो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर भी H2SO4 का देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, ओ एच
दो ऑप्शन और भी दिखाना यहाँ पे, एस डबल, ये एस कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे देखोगे कि सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, वो काउंट करके तुम्हें बताना है। स्ट्रक्चर दिया गया है, वो बस काउंटिंग करके बताना है कि सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है। सही, बिल्कुल सब लोगों का, आर्यन मलार सब लोगों का सही है। तो क्या आ जाएगा, एट। कैसे काउंट करेंगे हम लोग इसमें, इसमें जो एट आ रहा है तो काउंटिंग का तरीका यहाँ पे ये था, एक ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, तो वन और वन, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी करा ऑप्शन का, तो फोर वहां पे आ गया। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे डेटिव बॉन्ड के थ्रू या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे शेयर कर रहा है इस ऑप्शन के साथ। यहाँ पे क्या रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, टू प्लस टू फोर, और टू और इधर टू, एट आ रहा है। एक ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, यहाँ पे जब सल्फर आ रहा है, एक और स्ट्रक्चर देखेंगे अभी हम लोग, जब सल्फर का ये चीजें पता नहीं था कि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और जो भी थर्ड या उससे हायर पीरियड का एलिमेंट है ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है, जब ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है वहां पे है, जब ये चीजें पता नहीं था उस टाइम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनाते थे। बट हम ये चीजें पढ़ चुके हैं कि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वो ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है। अब जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एच डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ एच। बाकी लोन पे तो अंडरस्टूड है हर एक एटम पे कितना है वहां पे है। यहाँ पे सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे यहाँ पे है, मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, दैट मीन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, बस इंडिकेट कर रहे हैं वहां पे। तो सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे, एट नहीं काउंट करना है यहाँ पे, टेन नहीं, ध्यान से काउंट कर, टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास सही है, 12 रहेगा वहां पे है। सिंपल सा काउंटिंग करना है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड दैट मींस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पहले दिखाया जाता था, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जब ये थ्योरी नहीं पता था कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट का एक्सपेंशन भी कर सकता है, तो फिर स्टार्टिंग में ये स्ट्रक्चर दिखाया जाता था। अभी भी कुछ बुक में इस टाइप का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ मिलेगा, तो वो भी करेक्ट है, ऐसा नहीं कोई इनकरेक्ट। बट हम लोग ज्यादातर स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करते हैं क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है बैक एंड डी ऑर्बिटल होने के चलते, तो हम लोग ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे स्पेसिफिक सर। हाँ बताओ सर, वो फिर दोनों कैसे करेक्ट हो गए, एक में 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के। मैं क्या बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कब ड्रॉ क्या करते थे, जब ये चीजें पता नहीं था कि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है नहीं कर सकता है, तो पहले ये ड्रॉ किया जाता था। अब क्या, अब ये ड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि अब मुझे पता है कि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो सकता है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा पा रहा। बट कई सारे बुक में अभी भी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया कि इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाई जा सकता है। सर तो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट तो बिल्कुल, सेकंड यहाँ पे क्या होगा। रहेगा कौशल, मेनली जो सेकंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, और सेकंड पीरियड एलिमेंट उसी के लिए मैं यूज करता हूँ वहाँ पे। थर्ड पीरियड एलिमेंट आ गया है उससे हायर पीरियड, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत नहीं होता, वहाँ नॉर्मली वो इस तरीके से दिखा पाएंगे। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। सर तो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट सेकंड ही होगा करेक्ट, अब जो ड्रॉ करना है तुम्हें ये ड्रॉ करना है। यस सर, ये दो इक्विवेलेंट टाइप से नहीं है, ये पहले स्टेप में ड्रॉ करते थे, अब ये जब भी ड्रॉ करना है ये स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना है। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल। बिल्कुल, अगर मल्टीपल करेक्ट इवन ये आता ही नहीं है यहाँ पे, कुछ बुक अगर पढ़ोगे अलग से तो उसमें कहीं ड्रॉ क्या हुआ मिलेगा, तो ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, तुम्हें यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, इसी को याद रखना।
और मल्टीपल करेक्ट में ये ऑप्शन ऐसा कभी आएगा ही नहीं कि तुम्हें ये भी दिया रहे, बट अगर ये भी स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है और ये दिया गया तो फिर उसको टिक करना है वहां पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हम लोग इसमें। तो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं फॉर एग्जांपल इसमें। जैसे कि एक एग्जांपल नॉर्मल सा पहले उसको देख लें, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो यहाँ पे है वो अमोनियम आयन के तरह ही रहता है। तो सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो यहाँ पे है OH, H और यहाँ पे H प्लस। अब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है यहाँ पे। अब ये कैसे लोन पेयर पता चलता है, इसलिए हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखना है कि H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास दो दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा H प्लस के साथ, ये एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ लोन पेयर, बट एक्चुअल में ये क्या होगा जब दिखाओगे तो ऊपर H एक ही लोन पेयर है यहाँ पे है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड H प्लस, वो अंडरस्टूड है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक लोन पेयर के थ्रू एक लोन पेयर शेयर कर रहा है बेसिकली, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे H2O प्लस का। इसी का जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे वो कैसे दिखाओगे यहाँ पे है ओ एच एच, जहां पे एरो जा रहा है वहां पे नेगेटिव चार्ज और जहां पे एरो का टेल है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखा दो और इस एच पे तो एक पॉजिटिव पहले से था, एक नेगेटिव इसके कारण जब इसको हटाएंगे तो आएगा पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देगा और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो एज इट इज रहेगा ही। H3O प्लस का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या फिर ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखना है यहाँ पे जो नॉर्मल तरीके से सोचे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पे एट, ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सिक्स, सिक्स में से पॉजिटिव चार्ज आ गया दैट मीन्स फाइव इलेक्ट्रॉन बचा, फाइव में से थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, बचा दो इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स एक लोन पेयर वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन आयन का ये स्ट्रक्चर आ रहा है H3O प्लस का, तुम लोग पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं स्ट्रक्चर। बट वाटर जब H प्लस को एक्सेप्ट करता है बाय शेयरिंग लोन पेयर, अपना लोन पेयर जब शेयर कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो फिर यह हाइड्रोनियम आयन बन पाता है। नेक्स्ट है इसमें कुछ और एग्जांपल, कॉपी करो यहाँ पे जल्दी से। तो जो भी थर्ड पीरियड या हायर पीरियड का एलिमेंट है वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत नहीं है, क्लियर है वहां पे, तो वहां पे सिंपली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी रहेगा वहां पे फॉर्म होकर के वो ऑक्टेट का एक्सटेंशन कर लेता है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। मैं खुद से ट्राई करना है तो मैं N2O का स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसमें N2O3 N2O4 N2O5। अब देखिए सबसे पहले N2O का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंट टाइप का मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज है, सिंगल सेंटर्ड का नहीं रहता है। और जो मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज, जो मल्टी सेंटर्ड कंपाउंड आ रहा है या आयंस आ रहा है उसका तो मैं याद रखना पड़ेगा। और देखिए N2O का क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे एक नाइट्रोजन को सेंटर एटम में रखो यहाँ पे है, ये बिल्कुल अलग तरीके से याद रखना है तुम्हें, एन ट्रिपल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट सही है। इसमें सोचेंगे कैसे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन आ इसके पास तो फाइव बाउंड आ गया,
दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन आ रहा है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और नाइट्रोजन सेकेंड फ्लूइड का एलिमेंट है, कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करेगा, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है तुम्हारा। इसमें फिर करेक्ट क्या रहेगा, इसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। और इसमें तुम्हें बताना है, इसमें देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं अभी हम लोग, तुम्हें ये बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है यहाँ पे एन टू ओ में। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जहां से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, बस मैं काउंटिंग करके बताना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है। देखो मैं बताता हूं यहाँ पे, सही आ रहा है इसमें नहीं, देखना यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर सुन लोगे, यहाँ पे सबों का अलग अलग आंसर आ रहा है। ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना रहेगा, सी, देखते हैं यहाँ पे जो भी करेक्ट आएगा। अब यहाँ पे जो इस नाइट्रोजन के पास एक जो लोन पेयर था वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, सेंट्रल जो नाइट्रोजन यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसमें क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, सही आ रही है, अब सही है। बाकी लोगों का जिनका सही आ रहा है वो, जिनका भी आ रहा है वो करेक्ट है, करेक्ट क्या रहेगा इसमें 4। ये जो लोन पेयर यहाँ पे हम वो दिखा रहे थे पीछे, मैंने बताया भी था पीछे एग्जांपल में, यहाँ पे दिखाते हैं वो कि ये लोन पेयर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व भी हो गया यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं दिखा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एक ही लोन पेयर है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर अब नहीं बचा। अब जो ये नाइट्रोजन है इसमें लेफ्ट साइड का, यहाँ का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचती है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, दैट मीन्स एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे N2O में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा, 4, ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर और इस नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर। अब देखना कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, तो सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन आ रहा है यहाँ पे है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पे 8, सही है, 8 आ गए, सही है। उसमें वो क्या रहेगा, 8 रहेगा वहां पे, वो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 सी बॉन्ड इधर फॉर्म कर रहा, दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अभी भी ये शेयर ही कर रहा है, वन साइडेड शेयरिंग है, डेटी बॉन्ड है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन वो अभी भी नाइट्रोजन का भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड से सी बॉन्ड इसका, दैट मीन अभी भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। नहीं, ऑक्सीजन का भी क्या हो गया यहाँ पे है, इसके पास इसका भी देखें, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 तो इसका खुद का और 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है इस नाइट्रोजन के साथ, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस नाइट्रोजन के पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 8। ये यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना है आप, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का भी हो गया वहां पे। वो यहाँ पे वर्ड का यूज कर रहे हैं शेयरिंग, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन का भी है और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी नाइट्रोजन का भी है, बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है यहाँ पे। अभी तुम लोग क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वन साइडेड शेयरिंग और कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, दैट मीन्स इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बट जब शेयर कर लिया अब वो ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन काउंट होगा वहां पे, ऑक्सीजन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है इसमें, 8। तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा, 4, और जो नाइट्रोजन आ रहा है ऑक्सीजन जो भी है सबके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। ये तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये नहीं बोल सकते सर ऑक्सीजन तो लेसी नंबर में ऑक्सीजन सेंटर एटम क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे तुम्हें अलग से याद रखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर N2O का, एन ट्रिपल बॉन्ड एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। हाँ बताओ, कुछ डाउट हो
नेक्स्ट है तुम्हारा N2O3। N2O3 में भी ये मल्टीसेंट्रल स्पीशीज का तुम्हें डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्या रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे दो दो नाइट्रोजन आ गया और ऑक्सीजन, ये क्या होता है यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, बस इतना भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अब तुम्हें यहाँ पे चेक करके बताना है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, बाकी फिर एनालाइज करते हैं अभी हम लोग। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं को सर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना है, टोटल दैट मीन्स हर एक एटम पे पूरे मॉलिक्यूल पे नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है वो काउंट करना है। अब सही आ रहा है आर्या तनिषा ओम, अब सही है। हाँ सर, और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना? देखते हैं वहां पे दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल, देखते हैं उसको भी क्या रहेगा वहां पे। अब यहाँ पे अगर देखोगे इस केस में एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, एन डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर सिंपली पहले अगर लोन पेयर की बात कर लें, इस ऑप्शन एटम पे अंडरस्टूड है कि दो लोन पेयर, वो कैसे सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स, सिक्स में से दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लिया शेयरिंग में, दैट मीन्स बॉन्डिंग में, बचा फोर इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दो लोन पेयर इस ऑप्शन पे, दो इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर इस ऑप्शन पे है। इस नेटन पे नंबर ऑफ लोन पेयर क्या रहेगा वन, और इस ऑक्सीजन पे सी सी प्लस टू सेवन और एक यहाँ पे है, तो टोटल लोन पेयर क्या आ जाता है यहाँ पे है एट। अब इसको समझते भी हम लोग यहाँ पे, ये तो क्या आ गया एट आ गया। अब देखने की एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर नए वाले एनसीईआरटी में देखोगे तो इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर दे रखा है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये सब स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर तुम्हें जब 12th के पी ब्लॉक में जाओगे, मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में कि पी ब्लॉक जो होता है टोटल उसमें कितना ग्रुप है, सिक्स ग्रुप, जो 13 से लेके 18 तक है इसमें, ये तुम्हारा पी ब्लॉक का है, तुम्हें 13 और 14 तुम्हें 11th में पाना है, और बाकी का जो ग्रुप है 15 16 17 18 वो तुम्हारा 12th का पार्ट है, 12th के पी ब्लॉक में आएगा वहां पे, वो एनसीईआरटी में दे रखा है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन किस ग्रुप का आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 15th एंड 16th ग्रुप का आ जाएगा, दैट मींस ये सब स्ट्रक्चर तुम्हें 12th के एनसीईआरटी में सब ड्रॉ किया रहता है, बट जब वो बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे सीखते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। इसका एक स्ट्रक्चर और भी पॉसिबल है यहाँ पे इस टाइप से, एन डबल बॉन्ड ओ ओ एन डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज है, इसका तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसमें सोच नहीं सकता यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर भी दिया गया उसमें, बट ये स्ट्रक्चर भी है तो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा, काउंटिंग करो इसमें 8 80 आएगा नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें भी क्या रहेगा 80 रहेगा। बट एक बार जब जेई एडवांस क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है उसने उसने इस स्ट्रक्चर को करेक्ट माना यहाँ पे, और पुराने वाले एनसीईआरटी में सिर्फ यही स्ट्रक्चर दे रखा है, ज्यादा एक्यूरेट जो है ये स्ट्रक्चर मानना यहाँ पे, एन डबल बॉन्ड एन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये मोर एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, बाकी ये भी जब एनसीईआरटी बुक में दे रखा है नए वाले में ये भी करेक्ट है, ये भी रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, हर एक केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन एडवांस का पूछा भी गया है इंटीजर टाइप में कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन N2O3, उसमें क्या टिक करना मतलब क्या लिखना था उसमें एट। या इवन एक क्वेश्चन जब पूछा गया उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो उसमें ये स्ट्रक्चर को करेक्ट माना हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, मेनली ये याद रखना, और ये भी कहीं पे आ रहा है स्ट्रक्चर इसके, ये भी रॉन्ग नहीं, बस ये याद रखना है, ये भी एक
पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। N2O4 की बात करें यहाँ पे हम लोग, N2O4 का जो स्ट्रक्चर है N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहाँ पर भी एक और ऑप्शन आ रहा है, दैट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। बिल्कुल, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है, अब देखो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है वो तो अलग क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी में दोनों क्वेश्चन, दोनों स्ट्रक्चर दे रखा है तुम्हें। मैंने स्टार्ट में जैसे बताया कि पुराने वाले एनसीईआरटी में सिर्फ यही स्ट्रक्चर है तो मोर स्टेबल यही है, तुम्हें ये याद रखना है, बट दूसरा वाला भी एनसीईआरटी ने अगर दे रखा है तुम्हें ध्यान रखना है कि ये भी स्ट्रक्चर एक हो पाता है, और ये भी अगर दिया हुआ दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑप्टेट पूरा हो रहा है, एग्जिस्ट कर पाएगा इस टाइप का, बट मोर एक्यूरेट मोर स्टेबल फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर जब वो जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था तो वो ये दोनों स्ट्रक्चर दिए थे वहां पे? नहीं, स्ट्रक्चर कोई भी, उसमें क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर, क्वेश्चन क्या था उसमें, नंबर ऑफ लोन पेयर N2O3, ना तो स्ट्रक्चर दिया गया था कुछ भी नहीं था, N2O3 में नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा गया था, तुम्हें खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर फाइनली बताना था, जो कि क्या रहा इसमें 8। अब N2O4 की बात करें यहाँ पे, तो N2O4 का ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, इसमें तुम्हें यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, टेन, सही आ रहा है सबका, 10 आ रहा है, सही होगा, चेक कर लेते हैं, बाकी आसान सा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तुम्हें कुछ डायरेक्टली ये 3-4 स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, बाकी पीछे जितना भी पढ़े थे हम लोग तो ड्रॉ कर पा रहे थे, बाकी ये 2-3 स्ट्रक्चर में याद रखना यहाँ पे किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब नाइट्रोजन पे तो कोई लोन पेयर होगा नहीं क्योंकि तो उसका सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, यहाँ 3+3+2+2 ये क्या जाता है 10, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या जाएगा इसमें 10। नहीं, इसमें पेरोक्सी लिंकेज नहीं आता, पेरोक्सी लिंकेज काफी अनस्टेबल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इसका ये स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकता। N2O5 की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसमें क्या रहेगा N डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो एक जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो बीच में आएगा यहाँ पर, बाकी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरल मोड में फॉर्म कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट का एक्सपेंशन ना हो, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, दैट मींस यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेल्प ले रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर क्या आ जाएगा, सही सब लोगों का आंसर इसमें क्या आ जाता है 12, सही सब लोगों का, इसमें क्या आ जाएगा 12, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, 1-2 है यहाँ पे, ये क्या आता है 12। ये मेंस वगैरह में भी इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन जब एडवांस हो चुका है यहाँ से क्वेश्चन, तो तुम लोगों को ये तीनों स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है तीनों का स्ट्रक्चर, और ये एक N2O का भी अलग से याद रखना है यहाँ पे तुम्हें, नहीं लास्ट वाले में पेरोक्सी बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पर, इसमें क्या है पेरोक्सी बॉन्ड क्या होता है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में कहीं बॉन्ड नहीं आ रहा, इसमें भी यही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि पेरोक्सी बॉन्ड जो होता है काफी वीक बॉन्ड हो जाता है, वो जनरली हम लोग नहीं ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका। तो एक पैटर्न पे याद रखोगे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड हो, एन डबल बॉन्ड इधर भी हो, इसमें जब एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिखाना, ये तो हर केस में आ ही रहा है यहाँ पे ये पैटर्न, अब जब एक तीन ऑप्शन आइटम था तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, इसमें फोर ऑप्शन आइटम था तो दो तो ये पैटर्न पे आ ही रहा है यहाँ पे है,
दो एक्स्ट्रा ऑप्शन बच गया, तो एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अब इसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना नहीं सकते हैं, एक ऑप्शन को कहीं और रख नहीं सकते हैं, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में उसको प्लेस करना होगा एक ऑप्शन पे। ये तीनों स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, और एक पैटर्न पे भी है, और ये एन टू एक अलग स्ट्रक्चर, इसको एक अलग से याद रखना। मैंने बताया यहाँ पे आयुष, ये मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज है, इसका तुम्हें याद रखना यहाँ पे कि कैसे स्ट्रक्चर आ रहा है, क्योंकि तो इसमें एक सेंटर नहीं आ रहा है तुम्हारा। अभी तक तो जो हम लोग पीछे पढ़े हुए थे वो सिंगल सेंटर्ड आ रहा था, इसमें सोच पा रहे थे, ये तुम्हारा मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज आ गया, इसका तुम्हें याद रखना किसी टाइप से स्ट्रक्चर होता है। जैसे कभी एक पैटर्न पे इसको याद आ जाएगा तुम्हारा, इसमें एक बार देखो, एक दो बार प्रैक्टिस करो तो अपने आप ये याद हो जाता है। सर हाँ बताओ सर वो N2O का नहीं हो सकता सर, जो पे हमने पहले केसेस में देखा था कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसका बना सकते थे, लेकिन इसमें नहीं बना सकते क्या N2O का? N2O में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा नहीं बना सकते क्या, पहले जैसे पहले केसेस में बनाया था वैसे? इसमें तो मुझे करी रहना है, आप N2O जा रहा है यहाँ पे N2, इससे पहले मैं N2O का स्ट्रक्चर कभी ड्रॉ नहीं किया होंगे, वो NO2 अगर आ रहा होगा, N2O है यहाँ पे, N2O का यही एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पे, इसमें ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेल्प हम लोग तभी लेते हैं जहाँ पर कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, उसका ऑक्टेट का एक्सपेंशन ना हो, इसीलिए हम लोग इसका हेल्प लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ये तुम्हें स्ट्रक्चर जो यहाँ पे वो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। अब एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है यहाँ पे है NON, बट इसमें फिर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें, यही स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना। ये चारों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखना है तुम्हें। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है इसमें, ये वो देख रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेक्स्ट इसमें एक टर्म है फॉर्मल चार्ज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही देखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, किसी भी कंपाउंड्स में या किसी भी आयंस में किसी एटम पे जो चार्ज हो आ रहा है वहां पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। इसका एक डिफिनेशन दिया ऊपर से, उसको नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम ये साथ नोट कर सकते हो, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन The formal charge of an atom in a molecule or ion is defined as the difference between the number of valence electrons the number of valence electron of that atom in an isolated or free state and the number of electrons present on that atom in a Lewis structure. डिफिनेशन आ रहा है, एग्जांपल इसका एक फार्मूला भी है,
स्मॉल लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल से ये डिफिनेशन भी क्लियर हो जाए इसका क्या मीनिंग है करना। तो फॉर्मल चार्ज जो रहेगा तुम्हारा उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, फॉर्मल चार्ज एफ सी, फॉर्मल चार्ज। इसका जो फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड दैट एटम, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम। बस ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है। देखते हैं एग्जांपल में, देखें कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज किसी एटम पे, तो देखते हैं अभी हम लोग। फॉर्मल चार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड दैट एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम। देखो इसको कॉपी करो, यहाँ पे है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लोग जो पीछे देख रहे थे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक और स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पर, इस पे आते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बस देख लोगे O3, O3 का नेम सबको पता है, ओजोन, हम लोग पढ़ भी चुके हैं ओजोन ओलिसिस प्रोसेस में। O3 का स्ट्रक्चर क्या है, तुम्हें O3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले में ही कर लो, एक बस एक लाइन का स्ट्रक्चर होगा इसका, O3 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे और इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है O3 में, ओजोन में, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। बाकी फॉर्मल चार्ज पे आ रहे हैं अभी हम लोग। नंबर ऑफ लोन पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि स्ट्रक्चर तो मैं देख नहीं सकता क्या ड्रॉ कर रहा हो, बट नंबर ऑफ लोन पर अगर बता पा रहा करेक्टली दैट मीन वो स्ट्रक्चर करेक्ट आएगा, तभी वो सोच पाओगे। यहाँ पर सोचो सब लोग, देखते हैं इसमें सब लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। कौशल तनिषा ओम सिक्स आ रहा है, कुछ लोगों का फोर भी आ रहा है, चेक करते हैं क्या है वहां पे, फाइव भी आ रहा है, सिक्स भी आ रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे ड्रॉ करने का तरीका क्या है यहाँ पे, इसमें अगर कुछ लोग ऐसा ड्रॉ कर रहे हो इसमें यहाँ पे O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है, जो सेंट्रल ऑक्सीजन है तुम्हारा, तीनों ऑक्सीजन को एक सेंट्रल में रहेगा, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 10, और ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता, दैट मींस अराउंड। तो ऑक्टेट का एक्सपेंशन ना हो सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए, उससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेल्प लेते हैं यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे है। और जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो यहाँ पे है, अब क्या हो जाएगा इसके पास 3 लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास एक लोन पेयर बच गया, क्योंकि 6 में से जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया शेयरिंग में, वन साइडेड शेयरिंग में, बचा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस एक लोन पेयर, और यहाँ पे अंडरस्टूड है
यहाँ पे क्या होगा, दो लोन पेयर होगा। अब जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे तुम्हारा, एट। एट। अब इसके पास 80 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट को कंप्लीट कर ही सकता है। यहाँ पर भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन ना हो थ्री मॉलिक्यूल में सेंट्रल ऑक्सीजन का, दैट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैलकुलेट करें और नंबर ऑफ लोन पेयर आप काउंट कर लो, 2+1+3, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या आ जाएगा, 6। देखिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था उत्तरी का, ये यहाँ पे उठ रहा था, इसको यहाँ पे ड्रॉ करना था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। और ये स्ट्रक्चर रॉन्ग क्योंकि ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल वहां पे 3 से 7 तक कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मेनली लोग इसके लिए यूज करते हैं सेकंड पीरियड के लिए यूज करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि उसी का एक ऑक्टेट के एक्सपेंशन ना हो इसीलिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेल्प ले रहे हैं, बाकी के लिए कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें, ये तो ड्रॉ कर लिया होगा हम लोग, फॉर्मल चार्ज देख रहे थे। और फॉर्मल चार्ज में भी अगर यही क्वेश्चन मैं दोबारा लूं वहां पे फॉर्मल चार्ज वाले में भी, एग्जाम्पल O3 का ही है यहाँ पर भी, और इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ सिंपली O डबल बॉन्ड O, वो इस टाइप से। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है इस केस में कि किस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा और नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे कुछ और इंडिकेट करता हूँ क्वेश्चन को आसान बनाने। ऐसा कुछ दिखाया तुम्हारा यहाँ पे, इसमें बस तुम्हें बताना है कि हर एक एटम में, इसमें इंडिकेट भी कर दो ये फर्स्ट ऑप्शन एटम हो, बस इंडिकेट करने के लिए 1, 2, 3, तो किस ऑप्शन एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा। देखोगे इसमें मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकी आगे बताओगे। तो सबसे पहले सेंट्रल ऑक्सीजन की बात करें, सेंट्रल ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा वो निकालना है मुझे फॉर्मल चार्ज। तो ये कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या है इसमें फॉर्मल चार्ज निकालने का, जिस एटम पे फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उस एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड दैट एटम, जो सेंट्रल ऑक्सीजन है जिसपे निकालना है फॉर्मल चार्ज उसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, कोई भी बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड दैट एटम, बॉन्ड कितना बना रहा है 3 बॉन्ड, 1, 2, 3, ये क्या आ जाएगा 6 - 3 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है वो, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें 6 - 3 - 2, ये क्या आ जाएगा +1, जो सेंट्रल ऑक्सीजन उस पर चार्ज जो आता है उसमें, तो चार्ज क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें +1 चार्ज। अब थर्ड वाले ऑप्शन पे तुम्हें निकालना इसी टाइप से, कुछ पे कितना चार्ज आएगा बताओ आपको, इसमें यही फार्मूला तुम्हारे पास है थर्ड वाले ऑप्शन एटम पे चार्ज। थर्ड पे क्या रहेगा -1, सही आ रहा है बिल्कुल, थर्ड वाले पे चार्ज क्या आएगा इसमें -1 चार्ज। और फर्स्ट ऑप्शन पे क्या आएगा, जीरो, सही है बिल्कुल, वो क्या रहेगा उसमें 0। तो फॉर्मल चार्ज कुछ नया नहीं है यहाँ पे, बस एक टॉपिक है इसलिए हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसको एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। सर हाँ बताओ सर, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उस पे सेंट्रल एटम पे 8 हो जाएगा ना सर, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी एटम का चेंज नहीं होता है, मैं जब टोटल इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो फिर वो अलग अलग रहता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब वो सबसे स्टार्टिंग में पड़े थे वो तो हर एक किसी भी एटम का फिक्स रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होता, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा। देखिए सेकंड पीरियड का कोई भी आगे जो भी आ रहा है इसमें, नाइट्रोजन का मैंने बता रखा था 5, ऑक्सीजन का 6, वो तो फिक्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। देखते हैं अभी इसको हम लोग सोनंद यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, इसको एनालाइज करते हैं यहाँ पे।
ये तो जब कोई स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकाल पा रहे हैं। जबकि एक ऑप्शन के लिए मैं निकाल के बताओगे यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन के लिए, तो थर्ड ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सिक्स। बॉन्ड्स कितना बना रहा है यहाँ पे, ये वन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है यहाँ पे है सिक्स, ये क्या है तुम्हारा माइनस वन, इसमें माइनस वन चार्ज, और ये क्या रहेगा तुम्हारा इसमें जीरो चार्ज, क्योंकि इसमें क्या रहेगा सिक्स माइनस टू माइनस फोर, ये जीरो आ जाएगा। यहाँ पे हर एक एटम पे मैं फॉर्मल चार्ज निकाल पा रहा हूँ। अब मैं पीछे लेता हूँ एक यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे जो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे है, जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं हम लोग यहाँ पे है, तो फिर कैसे हटाओगे इसको, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में जब कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, इस ऑप्शन एटम पे, बाकी जो लोन पे वगैरह वो तो रहेगा ही। और यहाँ पे जो पॉजिटिव जहाँ पे एरो का टेल था वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक लोन पे जो है वो एटीज रहेगा ही, यहाँ से भी पता चल पाता है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा। बट एक फॉर्मल चार्ज फार्मूला होता है, उससे भी पता कर पाते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना होगा इस एटम पे, इस तरीके से। जो फॉर्मल चार्ज का डिफिनेशन है, ऑफ एन एटम द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन एन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन दैट एटम इन अ लिविंग स्ट्रक्चर। ये डिफिनेशन है जो दे रखा है उसी को मैंने कॉपी किया यहाँ पे है, बाकी एक ये फार्मूला तो मैं याद रखना कि किसी एटम पे कैसे निकालता हूँ। अभी देखते हैं एग्जांपल हम लोग उसमें क्लियर होगा इसका और क्या मीनिंग। तो सिंपली इसको सोच भी सकते हो या फिर फॉर्मल चार्ज का जो फार्मूला उसके बेसिस पे निकाल भी सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। देखिए इस केस में जो पीछे में देख रहे थे उसमें मैंने फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट नहीं भी पता है, फिर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ पे कितना हो तो वो दिखा पा रहे थे यहाँ। सर वो N2O का भी कर सकते हैं ना फिर? बिल्कुल किसी भी कहीं भी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल या आयंस हो वहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। सर उसका बता सकते हो सर एक बार? देखते हैं उसका भी देख लेते हैं हम लोग अभी। कर लिए यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग? तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। अब एक एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा है सर N2O। अब N2O में अगर सोचना है यहाँ पे इसमें क्या करोगे, N ट्रिपल बॉन्ड N O इस टाइप से दे रखा है तुम्हें यहाँ पर, बस इतना ही दे रखा है। इसमें तुम्हें सोचना है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वगैरह होगा यहाँ पे है वो क्या रहेगा। ये भी लोन पेयर जनरली शो कर दिया जाता है यहाँ पे इस टाइप से। अब तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बताना है कि किस एटम पे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है ऑक्सीजन एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था इसमें, ऑप्शन के बात करें तो ऑप्शन पे इलेक्ट्रॉन सिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड दैट एटम सही, उसमें ऑप्शन पे क्या रहेगा उसमें माइनस वन, सबका निकाल सकते हो उसका। तो सिक्स इस ऑप्शन की पहले बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रॉन सिक्स, सिक्स माइनस वन एक ही बॉन्ड्स आ रहा है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है यहाँ पे है सिक्स, ये क्या आ जाएगा माइनस वन चार्ज। जो सेंट्रल नाइट्रोजन है उस पर कितना चार्ज आएगा, जो सेंट्रल नाइट्रोजन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव, बॉन्ड्स कितना बना रहा है फोर, फोर बॉन्ड वन टू थ्री फोर बॉन्ड्स आ रहा है, फाइव माइनस फोर लोन, कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स जीरो।
ये क्या आ जाएगा प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन, और इस नाइट्रोन पे क्या चार्ज आएगा 5-3-2 जीरो, इस पे जीरो चार्ज आ जाएगा। ये कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पे है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बस एक फार्मूला दे दिया गया फॉर्मल चार्ज। अब यही चीज हम लोग चार्ज जो है हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी सोच पा रहे थे, लेकिन यही स्ट्रक्चर था N2O का। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाएंगे यहाँ पे हम लोग, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं, जहाँ पे एरो जा रहा होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज, जहाँ पे एरो का टेल था वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, दैट में जीरो चार्ज, यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन, इस तरीके से दिखाना है यहाँ पर, उसी को यहाँ पे हम दिखा पा रहे हैं। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सी डबल बॉन्ड ओ ओ सीओ थ्री, इस टाइप से कुछ अगर दिखाया जा रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पे तुम्हें पता करना है कि हर एक ऑक्सीजन एटम पे और कार्बन पे नंबर ऑफ ये चार्ज क्या रहेगा, फॉर्मल चार्ज क्या होगा। फॉर्मल चार्ज वैसे भी फाइंड कर सकते हो, बट जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो वहां पे फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट करोगे, कि इस केस में यहाँ पर इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट करना है तुम्हें। हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज क्या है वो बताना है। यहाँ पे देखना है, जब भी इस ऑप्शन की बात करें तो 6-1-6 इस पे माइनस वन चार्ज, इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा माइनस वन। ऑप्शन जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है उसके लिए क्या निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 टू बॉन्ड्स बना रहा है, 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे 6-2-4 ये जीरो, इस पे क्या चार्ज आएगा यहाँ पे जीरो, इसके -1-1। कार्बन पे क्या चार्ज होगा, सही है, कार्बन पे क्या रहेगा जीरो। कैसे निकालते हैं, कार्बन का वैलेंस बॉन्ड क्या होता है 4-4-0, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, इसका फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा जीरो। तो फॉर्मल चार्ज कुछ नया कंसेप्ट नहीं है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बट ये अगर कहीं रेंडम मोलिक्यूल में किसी एटम का पूछा जाता है वहां पे है, तो फिर तुम्हें ये फार्मूला बस याद रहना चाहिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड दैट एटम, जिस एटम का निकालना उसके अराउंड कितना बॉन्ड आ रहा है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम, क्लियर है यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना है तुम्हें। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग एक मिनट, हम लोग यहाँ पे क्या काउंट कर रहे थे, यहाँ पे जाके कार्बन की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो कार्बन में जब देखोगे यहाँ पे है कार्बन के अराउंड क्या आ रहा था इसमें वन इलेक्ट्रॉन, को कार्बन के अराउंड बॉन्ड कितना आ रहा था यहाँ पे को, हमारा जो शायद उसमें बुकलेट है उसमें अलग टाइप का एक फार्मूला दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे है, तो 4 बॉन्ड आ रहा है, उस 4 बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट हो गया 8, हाफ इंटू 8 माइनस 0, ये एक अलग टाइप का भी फार्मूला तुमने होंगे बुकलेट में दे रखा है, वहां पे वो सेम ही मीनिंग है, वहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना रहा 8, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स सिर्फ बोला जाए तो बॉन्ड्स कितना आ रहा है यहाँ पे कार्बन के अराउंड 4, तो 4-4 या इससे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखना होता है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें 8। तो जो भी तुम्हारे बुकलेट में एक फार्मूला अलग से दे रखा है, तो दोनों फार्मूले का मीनिंग सेम है वहां पे, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड दैट एटम, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड्स में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक बॉन्ड अगर आ रहा हो, तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर मेंशन किया जाए तो वहां से हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा वहां पर,
क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर बुकलेट में तो अलग फार्मूला दे रखा है, तो वो सेम ही फार्मूला है, ये सिंपल फार्मूला जिसके यहाँ पे इसको याद रखा है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, ये तो फॉर्मल चार्ज ये कुछ नया नहीं है, इसको कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस, एक टॉपिक का नेम है इसमें रेजोनेंस, उसको समझना यहाँ पे है। ये इनऑर्गेनिक में भी आ रहा है यहाँ पे, फिर बाकी आगे भी आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। तो सबसे पहले रेजोनेंस का एक डिफिनेशन है यहाँ पे है, इसका जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अलग टाइप का मीनिंग एक ही आता, बट वहां पे अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो इसका डिफिनेशन है, एक बॉन्डिंग में जो पढ़ रहा है रेजोनेंस, इसको अलग तरीके से डिफाइन करता है यहाँ पर। इसका डिफिनेशन इसको नोट कर लोगे, इफ मोर देन वन लिविंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, इफ मोर देन वन लिविंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, नहीं ये रेजोनेंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पार्ट नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पार्ट इवन फॉर्मल चार्ज नहीं था, फॉर्मल चार्ज भी इंडिपेंडेंट टॉपिक था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिल्कुल अलग था, फॉर्मल चार्ज अलग है। किसी भी एटम पे हम लोग किसी भी कंपाउंड्स में किसी पार्टिकुलर एटम पे कुछ चार्ज निकालना हो तो फॉर्मल चार्ज उसी को बोल रहे थे, वो फार्मूला याद रखना था तुम्हें। और ये रेजोनेंस तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका पीछे जो टॉपिक में पड़े उसे कोई भी लेना देना नहीं है वहाँ पर। इफ मोर देन वन लिविंग स्ट्रक्चर, If more than one Lewis structure are possible, if more than one Lewis structure are possible of a compound, possible of a compound for explaining the or explaining the experimentally determined parameter, experimentally determined parameter then or explaining the experimentally determined parameter, then different Lewis structure are called, then different Lewis structure are called resonating structure, resonating structure और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। And this process is called resonance. So copy karo, dekhte hain kya aa gaya. If more than one Lewis structure are possible of a compound for explaining the experimentally determined parameter, then different Lewis structure are called resonating structure. Isko resonating structure bolte hain ya fir canonical structure, dono mein se jo bolna chaho. And this process is called resonance. एक एग्जाम्पल से समझता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग O3 का एक एग्जाम्पल देख रहे थे पीछे, उसी से अगर स्टार्ट करें हम लोग,
ओ डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस पॉजिटिव चार्ज, ये तो स्ट्रक्चर आ रहा था उसमें। बाकी लोन पर कहाँ पे कितना ग्रोथ हो सकता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ पे है कि सर यहाँ पे आपने इसी ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज क्यों दिया। अगर मैं नंबरिंग करूँ यहाँ पे, ये पहले देख लोगे इसमें, ये फर्स्ट ऑप्शन हो, सेकंड ऑप्शन हो और ये थर्ड ऑप्शन रिटर्न, तो एक स्ट्रक्चर ये भी तो पॉसिबल है यहाँ पे है इस टाइप का, ओ सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या यहाँ पे है इक्विवेलेंट टाइप से ही आ रहा है। बट जो मैंने नंबरिंग किया हुआ था अभी यहाँ पे 1 2 3, इसमें क्या रहा था यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन एटम पे नेगेटिव चार्ज, इसमें फर्स्ट पे नेगेटिव चार्ज, दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो एक्चुअल में होता है क्या यहाँ पे, ध्यान से समझोगे, कहीं भी अगर मान लो कि ये अलग है, ये पार्ट को समझना कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये एक रेंडम सा ये को देखना है यहाँ पे। तो कहीं भी सिंगल बॉन्ड अगर आ रहा है यहाँ पे, तो तीनों बॉन्ड में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल वन सिंगल ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, बॉन्ड सिंपल सा लॉजिक है, कार्बन कार्बन के बीच में या आगे, और भी इसका डिटेल में रीजन रहता है वो आगे वो पढ़ेंगे, तो अगला थ्योरी जब आएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक समझ सकते, जब ट्रिपल बॉन्ड होती है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। अब एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो रहेगा वो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का ज्यादा रहेगा, ये सिंपल समझ लो लॉजिक है यहाँ पे। इसका भी वो रीजन देखेंगे आगे आता है, बट यहाँ पे देखना है कि जहां कहीं भी दो सिमिलर एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा, देन सीसी डबल बॉन्ड, देन सीसी ट्रिपल बॉन्ड, और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा, वो हर जगह वैलिड रहेगा तुम्हारा ये पॉइंट। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए ज्यादा रहेगा, इसका जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन के बीच का वो कुछ वन कुछ भी रेंडम से ले लो 140 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन के बीच का, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा कुछ कम होता है 120 पिकोमीटर, ऐसा कुछ एज्यूम कर लो यहाँ पे है। पिक्चर में ये 148 होता है यहाँ पे, 148 पिकोमीटर, ये सब एक्सपेरिमेंटली है यहाँ पे, जो अपने मन से कुछ नहीं ले रहे हैं, जैसा बोलो ये कांच ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली डेटा रहा था, बस हम लोग को एक आइडिया लगाना है यहाँ पे कि सिंगल बॉन्ड इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है ज्यादा, डबल बॉन्ड इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम, और सेम यहाँ पर भी। बट एक्चुअल में जो देखा गया इसमें कि दो ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, बट एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे इसको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे एक ये इस एरो का यूज करो। अब देखो यहाँ पे एक दो एरो आता है, तुम इक्विलिब्रियम पढ़े हो गए, ये एरो कहीं पे लगाया जा रहा हो, इस एरो का मतलब है कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, दो इधर कोई कंपाउंड है इधर कोई कंपाउंड है, वो इक्विलिब्रियम पे दोनों पे। अब इक्विलिब्रियम टर्म क्या है, ऐसा कुछ पढ़े 10th में है, इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े इसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ोगे यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में वो तो चीजें क्लियर हो पाएगा। ये इक्विलिब्रियम को बताता है, और ये एरो और कहीं पे लगाया जाए यहाँ पे, ये एरो का मतलब है कि एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक दूसरे का क्या रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब तुम्हें देखना है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे एक तुम्हें सिंगल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड है, दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, बट दूसरे स्ट्रक्चर में 2 3 के बीच डबल बॉन्ड, फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है।
यहाँ पे कंक्लूजन ये दिया गया यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके कि एक्चुअल में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो 2G के बीच भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और 1-2 के बीच भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कंप्लीट डबल बॉन्ड ना तो 2-3 के बीच है ना तो 1-2 के बीच में, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया फ्रेंड ने यहाँ पे कि सिंगल बॉन्ड तो है ही। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा पार्शियल बॉन्ड दिखाता है। यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड को दिखाया जा रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में डबल बॉन्ड ना तो 1-2 के बीच है ना तो 2-3 के बीच में, वो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 2-3 के बीच भी है और 1-2 के बीच भी है। उसी को हम कैसे दिखाते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड से, इस टाइप से। अब देखना यहाँ पे हम वो चार्ज की बात करें यहाँ पे, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ये थर्ड एटम पे था, थर्ड ऑप्शन पे, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन एटम पे आ गया, तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है यहाँ पे। दो इस ये दोनों एक दूसरे का क्या था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक दूसरे का क्या आ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसी दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके एक नया स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक में यहाँ पर आ रहा है डबल बॉन्ड, दूसरे में डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, डेट में डबल बॉन्ड जो होगा दोनों पोजिशन पे होगा। और एक्चुअल ये हम लोग गेस कैसे कर पा रहे हैं, एक्चुअल जो देखा गया है दोनों जगह का जो बॉन्ड लेंथ है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो होता है यहाँ पे 128 पिकोमीटर, इसका भी होता है और इसका भी 128 पिकोमीटर होता है। ये हमारा एक्चुअल डायग्राम है, देखते हैं इसको 2 मिनट देखो और अभी इसको, उसके बाद कुछ डाउट रहा था पूछोगे। ये क्या रहा 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर। अब ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग RH, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखने की जो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी 2 पोजिशन पे डिलोकलाइज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है उसका पोजिशन। अगर -1 चार्ज 2 पोजिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो ऑप्शन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक ऑप्शन पे चार्ज क्या आएगा उसका -1/2, -1/2। एक ही नेगेटिव चार्ज है वो दो ऑप्शन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक ऑप्शन एटम पे चार्ज क्या होगा -1/2, -1/2। तो जब रेजोनेंस हाइब्रिड हम वो दिखाते हैं एक्चुअल में वो क्या रहता है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाता है यहाँ पे -1/2, -1/2, और यही क्या रहा है तुम्हारा इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड। एक मिनट वेट करो, इसमें मैं स्टार्टिंग से फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे तो O3 मॉलिक्यूल का इसमें दो दो लिविंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ये भी स्ट्रक्चर है और एक ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। तो किसी एक कंपाउंड्स का या आयंस का एक से ज्यादा लिविंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो उसी, और वो क्यों आता है यहाँ पे फॉर एक्सप्लेनिंग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पैरामीटर देन डिफरेंट लिविंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर। एक दूसरे क्या रहेगा ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर। अब एक्चुअल में होता यहाँ पे ये है कि सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए और होता भी है, और डबल बॉन्ड उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, बट एक्चुअल में जो रहता है रेजोनेंस हाइब्रिड में जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो दोनों का इक्वली आ रहा था यहाँ पे 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर O3 मॉलिक्यूल में। यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया गया, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिया गया कि यहाँ पे एक रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा होगा यहाँ पे, दैट मीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों पोजिशन पे इक्वल होगा, तभी ये बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रहा है दोनों का जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड आ रहा था। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिया गया जिस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। यहाँ तक इसको कॉपी करो, फिर आगे कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आएंगे। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेटमेंट आगे में लिखेंगे, फिर यहाँ तक कॉपी करो इसको। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना यहाँ पे कि रेजोनेंस का कंसेप्ट आया कहाँ से।
बिल्कुल, जब रेजोनेंस हाइब्रिड रहता है तो लोन पेयर वगैरह तो जो है वो रहेगा ही अपना, लोन पेयर कहीं से अफेक्ट नहीं हो रहा है। लोन पेयर जो इसमें दिखा रहे थे जितना लोन पेयर, उतना लोन पेयर इधर भी रहेगा वहां पर। तो लोन पेयर किसी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में काउंट कर लो, लोन पेयर कहीं से भी चेंज नहीं होता। इस स्ट्रक्चर में काउंट करो या फिर इस स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ लोन पेयर तुम्हारा सेम रहेगा। तो डिप्रेशन नोट कर लिया होगा सब लोग, मैं डिप्रेशन को अगर यहाँ पे इरेज करूँ तो किसी भी एक कंपाउंड्स का या आयंस का एक से ज्यादा लिविंग स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल हो पा रहा है, अगर दो आ रहा है तो दोनों को क्या बोलेंगे, रेजोनेंट स्ट्रक्चर। दो से ज्यादा भी आ रहा है वो सब एक दूसरे का क्या रहेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, देखते हैं सारा पॉइंट में लिखते हैं अभी क्या है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर वाइल रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना यहाँ। अब एक्चुअल में जो चार्ज भी होता है वो किसी एक एटम पे चार्ज नहीं होता है, वो -1 पे चार्ज वो दिखा रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों ऑक्सीजन एटम पे, इस पे भी और इस पे भी इक्वल होता है यहाँ पे, -1/2 -1/2, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल आता है। और पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी जो है, पाई बॉन्ड भी किसी एक पोजिशन पे फिक्स नहीं है, 1-2 के बीच भी ऐसा नहीं कि 1-2 के बीच ये डबल बॉन्ड होगा या 2-3, ये दोनों पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज रहता है, इधर भी दिखाता है यहाँ भी दिखाता है। तो एक्चुअल में जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो दोनों पोजीशन पे रहता है, 1-2 के बीच भी और 2-3 के बीच भी, और उसी को कैसे दिखा रहा है यहाँ पे डॉटेड लाइन से। अब जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नहीं रेजोनेंस बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोई रिलेशन नहीं है, कहीं भी हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट है इसमें कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ये सेकंड पॉइंट है इसमें कि रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे पॉइंट इसमें यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ही कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। जब एडवांस का क्वेश्चन करोगे स्टेटमेंट वाला वहां पे, ये सब पॉइंट तुम्हें याद हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी आइसोलेटेड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
कैन नॉट बी आइसोलेटेड. लास्ट पॉइंट का मीनिंग क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी आइसोलेटेड. ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाएंगे. क्यों आइसोलेट नहीं कर सकते इसको? हम लोग आइसोलेट किसको करते हैं? जो कुछ रियल स्ट्रक्चर होगा. ये तो रियल है ही नहीं. ये कैसा स्ट्रक्चर है? हाइपोथेटिकल. तो हाइपोथेटिकल चीजों को हम अलग नहीं कर पाएंगे, आइसोलेट नहीं कर पाएंगे. ये भी पॉइंट है इसमें कि जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता है उसको हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो हाइपोथेटिकल है. यार यहाँ पे है, इसको कॉपी करो. यहाँ पे बस एक लास्ट एग्जांपल दो मिनट देख लोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस नीचे स्टार्ट करेंगे. देखो यहाँ पे डेटा में कुछ कंफ्यूज नहीं करना है. यहाँ पे जब अगर मान लेते कि अगर सिंगल बॉन्ड होता ऑप्शन ऑप्शन के बीच में तो फिर ये वैल्यू आता है 148 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर जब डबल बॉन्ड होता है. बट एक्चुअल में जब O3 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ देखा गया तो दोनों तरफ का बॉन्ड लेंथ इक्वल है. यहाँ पे जो सिंपल कैलकुलेट किया जा रहा था उससे कंट्राडिक्ट कर रहा था. तो यहीं पर एक नया प्रोसेस बता दिया, एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ. यहाँ पे जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है जो डबल बॉन्ड वो दोनों पोजिशन पे होगा इक्वली. इस पोजिशन पे भी आएगा और इधर भी आएगा. और इसी कंसेप्ट को तुम लोग क्या बोलना है? रेजोनेंस. और ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस हाइब्रिड है जहाँ पे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर इक्वल दिखाया जा रहा है इधर भी और इधर भी, इसको क्या बोलेंगे? वो रेजोनेंस हाइब्रिड. ये रियल स्ट्रक्चर है, ये तो हाइपोथेटिकल है. ये रेजोनेंस का कंसेप्ट ही बिल्कुल हाइपोथेटिकल है. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पैरामीटर जो आ रहा था, जो एक्सपेरिमेंट में आ रहा था उसी को सेटिस्फाई करेंगे. एक नया कंसेप्ट यहाँ पे अराइज हुआ है, इसको भी क्या बोला? रेजोनेंस. कर ली कॉपी? कर लिया था सब लोग? देख लो टाइम हो गया, बट दो मिनट देख लोगे इसमें. एक और एग्जांपल करना भी हम लोगों को. सेकंड पॉइंट क्या था? रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे वो सारे रेजोनेंस को कंबाइन करके ही वो फॉर्म कर पाते हैं. कर ले कॉपी? कर लिया था सब लोग? तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें. यहाँ पे बस एक लास्ट एग्जांपल काफी सिंपल सा, उसको देख लेते हैं हम लोग. देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है. यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर है, ये भी तो ड्रॉ कर सकते हो इसमें. देखते हैं आ रही इसमें बहुत सारा रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है मैंने बताया था स्टार्टिंग में. यहाँ पे जो हम लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे वो थोड़ा हाई पार्ट है, पूरा डिटेल्ड रेजोनेंस ऑर्गेनिक का पार्ट है. इसमें जो अनसेचुरेशन कोई कंपल्सरी नहीं कि वहाँ पे डबल बॉन्ड होगी. मैक्सिमम केस में डबल बॉन्ड होगा, उस केस में डबल बॉन्ड नहीं भी रहता. तो एक अलग पार्ट है, उसको अलग से देखेंगे. यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो इतना केमिकल बॉन्ड में पढ़ना हम लोग उतना ही देखेंगे यहाँ पे. बट हाँ, डबल बॉन्ड भी एक कंडीशन होता है कि डबल बॉन्ड है तो फिर वहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा. बट विदाउट डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस हो सकता है, जो कि ऑर्गेनिक में डिटेल में आता है.
देखिए यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। कुछ लोग बोलोगे सर हम नहीं, मैं तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। अब इसमें अगर पोजिशन अगर देखोगे, इसमें ये भी बेंजीन है, ये भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे जो पोजिशन अगर देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और पोजिशन अगर फिक्स कर दिया जाए, जिसको जिस कार्बन को यहाँ पे 1, 2 दिखा रहा है, यहाँ पर भी वही दिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 1, 2 के बीच भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2, 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 3, 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे 1, 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 2, 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा करेक्ट है? ये दोनों में से कोई भी रियल नहीं है, दोनों हाइपोथेटिकल है। तो दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है कि किसी एक ही कंपाउंड को ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं। एक दूसरे का क्या रहेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसी दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या पूछना चाह रहा हूँ आनंद? इसमें वर्टिकली मिरर्ड सर वो यहाँ मतलब पे अपोजिट डिफरेंट है ये ना है। दोनों हाँ स्ट्रक्चर? देखोगे इसमें यहाँ पे तुम्हारा एक ये है कि इसमें जो पोजीशन का डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये 1, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ही नहीं। ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये। ओके सर, अब यहाँ पे देखना है कि ये 1, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें 2, 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3, 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें 4, 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे रिंग में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। 1, 2 के बीच में दिखा दो डबल बॉन्ड यहाँ पे, 2, 3 के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दो यहाँ पे है, 3, 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4, 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5, 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 1, 6 के बीच भी डबल बॉन्ड आ रहा है। जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है पूरे रिंग में रहता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 1, 2 के बीच भी डबल बॉन्ड है, 2, 3 के बीच डबल बॉन्ड नहीं है। एक्चुअल जो डबल बॉन्ड होता है 2, 3 के बीच भी होता है यहाँ पे। तो पूरे रिंग में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रेजोनेंस हाइब्रिड। और बेंजीनिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वैसे मोजनली क्या करते हैं, डॉटेड लाइन का यूज करके ही रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। बट बेंजीन एक स्पेशल केस होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बेंजीन ड्रॉ करना होता है, तो डॉटर लाइन ना दिखा करके वो डायरेक्टली क्या दिखा देते हैं इसको, एक सर्कल। तो सर्कल का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल वो रेजोनेंस हाइब्रिड को इंडिकेट कर रहा है, और रेजोनेंस हाइब्रिड को वो जनरली डॉटर लाइन का यूज करके दिखाते हैं। बट बेंजीन बहुत ज्यादा ड्रॉ करना होता है तो डायरेक्टली वो सर्कल दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड ही है। क्लियर है यहाँ पे? है ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रियल स्ट्रक्चर तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ देखा गया यहाँ पे C1 C2 के बीच में डबल बॉन्ड है, C2 C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए था? अगर रेजोनेंस का कंसेप्ट नहीं होता तो 2, 3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता, 1, 2 के बीच का बॉन्ड लेंथ कम होता। बट एक्चुअल में जो बॉन्ड लेंथ है, हर एक कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबका इक्वल होता है यहाँ पे। और जब बॉन्ड लेंथ इक्वल है, यहाँ पे देखा गया कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होगा पूरे रिंग में मूव कर रहा होगा, इक्वल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो यहीं पे एक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको तुम रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ये तुम लोग वही एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा इसका 4-5 बहुत सारा एग्जाम्पल आता है, नेक्स्ट क्लास में और भी देख पाएंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे ये था कि रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। और किसी भी एक कंपाउंड्स का एक से ज्यादा लिविंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सर ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में लोग। पूरा रेजोनेंस का कंसेप्ट ही हाइपोथेटिकल है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पैरामीटर है उसको एक्सपेंड करने के लिए
एक कंसेप्ट यहाँ पे ला दिया गया है रेजोनेंस का। सर मतलब बोल नहीं सकते क्या ये सच है झूठ? क्या बोलो फिर से बताऊं? सर मतलब हम ये कह नहीं सकते क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं? बिल्कुल रियल में एग्जिस्ट करता है, बट रियल स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा? रेजोनेंस हाइब्रिडिटी रियल स्ट्रक्चर है। दैट मींस जो तुम्हारा पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है वो किसी एक पोजीशन पे फिक्स नहीं, पूरे रिंग में डीलोकलाइज आता है। दो वर्ड आता है, लोकलाइज दैट मींस फिक्स है, और डीलोकलाइज वर्ड का मतलब क्या, वो फिक्स नहीं है, वो पूरे रिंग में वो मूव करते रहता है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी समझेंगे इसको डिटेल में हम लोग, और एग्जांपल जब आएगा तो और क्लियर होगा। तो ठीक है, कॉपी कर लिया होगा यहाँ तक, हम लोग इसको फिर सेशन यहीं पे एंड करते हैं अभी। ओके बाय।